साल 1922 ये वो साल था जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर पिरामिड और पिरामिड के आसपास बने मकबरों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वो वैली ऑफ किंग्स में घूम रहे थे जहां वे राजाओं के अलग अलग मकबरों में इतिहास के पन्ने पलट रहे थे। ऐसे ही एक मकबरे में रिसर्च करते हुए वो एक दरवाजे तक पहुंचे जिसे काफ़ी समय से नहीं खोला गया था। लगभग 3200 सालों से ये दरवाज़ा बंद था। उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद हॉवर्ड ने वह ढूंढा जिसके बाद उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। ये एक खोए हुए फराओ की कब्र थी। मिस्र में फराओ राजाओं को कहा जाता है। ये एक ऐसे राजा की कब्र थी जो कि 19 साल की उम्र में ही गुजर गया था और जिसे लगभग 3200 सालों तक लोगों ने भुला दिया था। ये कब्र थी तूतनखामून की। तूतनखामून के पिता का नाम अखेनेटन था। अखेनेटन को एक कट्टरपंथी के रूप में याद किया जाता है। जब अखेनेटन को राजगद्दी मिली तब उसने पूरे इजिप्ट में लोगों को ये आदेश दिया कि वह केवल सन गॉड एटन की ही पूजा करें। उसने लगभग हजारों साल का रिवाज बदल दिया था। अपने कट्टरपंथ की सनक में उसने एक नया शहर भी बसा दिया था जिसका नाम था अमारना और यह भी सन गॉड एटन के नाम पर ही था। तूतनखामून जिसे प्रजा के द्वारा किंग टट भी कहा जाता था वो एक अच्छा राजा था। उसने अपने पिता के द्वारा बनाए इस नियम को तुरंत खत्म कर दिया। तूतनखामून को जब राजगद्दी दी गई तब वो केवल 9 साल का था और उसी साल उसकी शादी भी करा दी गई। जिससे उसकी शादी करवाई गई वो तूतनखामून की हाफ सिस्टर थी। हार्वर्ड कार्टर जिसने तूतनखामून की कब्र को ढूंढा था उसने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया और किंग टट की कब्र की जांच की तो उसे एक बेहद हैरान करने वाली चीज मिली। वो चीज थी डिसेबिलिटी स्टिक, यानी कि ऐसी छड़ जो कि लंगड़े लोगों के काम आती थी। तूतनखामून के बाएं पैर में काफ़ी दिक्कतें थी। वो ठीक से चल नहीं पाता था और वो डिसेबिलिटी स्टिक उसे चलने में मदद करती थी। दोस्तों तूतनखामून का 9 साल से लेकर 19 साल तक का शासन कहने को तो बहुत छोटा था लेकिन इस दौरान उसने बहुत से हिस्टोरिकल फैसले लिए। इसीलिए उसे इजिप्टियन साम्राज्य के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली फराओ में एक माना जाता है। उसके सबसे बड़े कामों में एक काम तो यही था कि उसने अपने पिता के द्वारा थोपे गए कट्टरपंथ को देश से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा जब तूतनखामून गद्दी पर बैठा था तब मिस्र काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, चाहे वो अर्थशास्त्र हो या फिर पड़ोसी देशों से रिश्ते हों या फिर शासन की लचर व्यवस्था हो। तूतनखामून ने 9 साल की उम्र से ही कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए थे। उसका सबसे बड़ा फैसला ये था कि विजीर की पोजीशन को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट। दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि विजीर क्या होते हैं तो बताता चलूं कि विजीर इजिप्टियन शासन के सबसे बड़े अधिकारी होते थे। अगर आप विजीर को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि वजीर शब्द इसी से निकला है। विजीर को बांटने के बाद तूतनखामून ने अलग अलग साम्राज्यों से अपने साम्राज्य के रिश्ते सुधारने शुरू किए जिस कारण इजिप्ट की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार हुआ। इसी प्रकार के फैसलों के कारण एक वक्त ऐसा भी आया जब जनता ने तूतनखामून को पूजना शुरू कर दिया। तूतनखामून की जिंदगी केवल 19 साल की थी लेकिन इस जिंदगी के दौरान उसने अपने राज्य के रिश्ते दूसरे राज्यों से काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिए थे। तूतनखामून की कब्र में मिले उपहार दूसरे राज्यों के साथ उसके अच्छे संबंधों की पुष्टि करते हैं। उसे अपने कार्यकाल के दौरान न्यूबियंस और एशियाटिक्स जैसे साम्राज्यों के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ा था जो कि उसने आसानी से जीत लिया था। हालांकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि तूतनखामून खुद युद्ध नहीं लड़ सकता था लेकिन उसकी कुशल नीतियों के कारण उसे एक अच्छा योद्धा माना जाता है। तूतनखामून के जीवन से जुड़ा एक किस्सा और भी है कि जब उसने बदलाव करना शुरू किया तब उसका नाम तूतनखातेन था, यानी कि एटन का जीता जागता स्वरूप। अपने पिता के कट्टरपंथ को हटाते समय सबसे पहले उसने अपना नाम बदलकर तूतनखामून कर लिया। किंग टट की मृत्यु के बारे में वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जब उन्होंने किंग टट की कब्र को तोड़कर
टट को निकाला तब उन्होंने कई सीटी स्कैन किए और यह पाया कि टट की कमर में छेद है। यह छेद उसे दफनाने वाले लोगों के द्वारा ही किया गया था। दरअसल दोस्तों, जब भी किसी फराओ को दफनाया जाता था तब उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लिए जाते थे और उसके शरीर में इस तरह के होल्स भी कर दिए जाते थे। तूतनखामून का शरीर तो कमज़ोर था ही, साथ ही सीटी स्कैन में यह भी निकला कि वह अपने बाएं पैर का प्रयोग नहीं कर सकता था। उसकी मौत के कारण को ढूंढते हुए वैज्ञानिकों ने उसके शरीर के अंदर रिसर्च की, जिसके बाद यह पता चला कि तूतनखामून की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। उसके शरीर में आज भी मलेरिया के जीवाणु मौजूद हैं। तूतनखामून ने अपने पिता के फैसले बदले अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और कई युद्ध भी जीते, जिस कारण वह लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। हालांकि उसके भाई बहन उसकी पॉपुलरिटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि तूतनखामून की कब्र को जब ढूंढा गया तब इस पर भयानक तरीके से पत्थर गिरे हुए थे और यह इस प्रकार की नज़र आ रही थी जैसे अंदर कुछ हो ही ना। इतिहासकारों की माने तो किंग टट की कब्र की यह हालत पहले से थी। उसे बनाने के कुछ ही सालों के अंदर किंग टट की पॉपुलैरिटी से जलने वाले उसके वंशजों ने उसे इतिहास के पन्नों से बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। ना तो वो उसकी उस कब्र पर जाते और ना ही किसी और को जाने देते। बस इसी कारण जल्द ही किंग टट की कब्र के दरवाजे के ऊपर पत्थर पड़ गए और यह बंद हो गई। तूतनखामून के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह जिस मकबरे में दफनाए गए थे वो किसी और के लिए बनाया गया था, लेकिन तूतनखामून की इतनी जल्दी मौत के कारण उसे इस मकबरे में दफना दिया गया। इस मकबरे के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड को 5000 से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स, फर्नीचर, कपड़े, हथियार इत्यादि मिले थे। मकबरे के अंदर के बहुत से कमरे वैसे ही बंद पड़े रहे जैसे कि तूतनखामून को दफनाते वक्त बंद किए गए थे। हालांकि बाहर के काफ़ी कमरों को उसी ज़माने में लूट लिया गया था। एक छोटा सा किस्सा हॉवर्ड कार्टर से भी जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने तूतनखामून की कब्र तलाशी थी उसके 4 महीने के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसे तूतनखामून के श्राप से जोड़कर देखा गया और ऐसी कई मौतों को श्राप से जोड़कर देखा जाता रहा है। लेकिन अगर स्टडीज़ की बात करें तो मकबरे में घुसने वालों का जीवन किसी भी मानक से छोटा नहीं रहा और इसीलिए कार्टर ने भी इसे अंधविश्वास करार दिया। जब बात मिस्र की हो तो इजिप्ट की सबसे सुंदर कातिल हसीना क्लियोपेट्रा का जिक्र आ ही जाता है। क्लियोपेट्रा एक ऐसी रानी थी जिसके संबंध रोम के जूलियस सीजर, मार्क एंटनी और अपने सेवकों के साथ भी रहे हैं। क्लियोपेट्रा के संबंधों की पूरी कहानी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।